हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। और दोस्तों, ये जो है सेना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। फरवरी 2024 से ये स्टेप होगा और दोस्तों, इसमें जो है जवानों को और JCOs को जो सुविधा मिलने जा रही थी वो अब हो रही है बंद। दोस्तों, उसके लिए जो है अब नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नई कमेटी बैठ चुकी है और इसका जो है अगस्त 2023 में ही इसके ऊपर फैसला ले लिया गया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि JCOs जवानों को जो के डिपेंडेंट्स को जो कार्ड मिलता है उसको लेकर दोस्तों एक मेजर अपडेट हो रहा है। और हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, जो डिपेंडेंट कार्ड अभी तक बनते थे सभी पूर्व सैनिकों के या JCO जवानों के डिपेंडेंट्स के लिए, वो डिपेंडेंट कार्ड का यूज़ दोस्तों मल्टीपर्पज़ यूज़ होता था। और उस डिपेंडेंट कार्ड से जो है आप बहुत सारी सुविधाओं को आप ले सकते थे और उसी में जो है जो हेल्थ की सर्विस थी वो भी इंक्लूडेड थी। अब दोस्तों, हेल्थ की सर्विस इंक्लूडेड थी और हेल्थ वाला जो सर्विस है वो थोड़ा कॉस्टली मैटर आता है और बहुत सारे जो है जो कंप्लेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ों से ये पता चला है कि जो हेल्थ कार्ड का जो यूज़ हो रहा है डिपेंडेंट कार्ड का हेल्थ कार्ड के लिए, वो एक बहुत ज़्यादा जो है मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग गलत काम करते हैं और उसको भुगतना सबको पड़ता है। तो जो भी ये केसेस आए थे जहाँ पे डिपेंडेंट कार्ड का जो है यूज़ जो मेडिकल सर्विसेज में हो रहा था और यूज़ किया वो मिसयूज़ हो रहा था, और वो जब सामने आया, वो जब पता चला, तो उसके बाद से दोस्तों पूरा को पूरा नए नियम बनाए गए जो एग्जिस्टिंग कार्ड में जो लूप होल्स थे जिसकी वजह से जो है इसका मिसयूज़ हो रहा था उसको भी दूर किया गया। तो दोस्तों, अब फरवरी 2024 से वो सारे के सारे नियम जो है इन प्लेस होंगे। फरवरी 2024 से डिपेंडेंट कार्ड बनाने के लिए अलग सिस्टम है और अब होगा एक मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड। ये मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स और इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से है, JCO जवानों के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए डिपेंडेंट कार्ड बनेगा और ये डिपेंडेंट कार्ड होगा, और दूसरा जो है मेडिकल इंटाइटलमेंट। तो जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे अब वो इसका पार्ट नहीं रहेंगे। अब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज रिजॉल्व करना है, कोई हेल्थ सर्विसेज लेनी है, तो वो आपको जो है मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड से लेना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए, साथ ही साथ जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनके पास डिपेंडेंट कार्ड्स हैं, अब जो है डिपेंडेंट कार्ड डीलिंक हो जाएगा। अब इसका जो है हेल्थ सर्विसेज से कोई भी लिंक नहीं रहेगा और अब आपको ज़रूरी है कि फरवरी 2024 से जब ये नियम लागू हो रहा है तो सबसे पहले जो है आप अपना नया मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड ज़रूर बना लें, क्योंकि इसी मेडिकल इंटाइटलमेंट कार्ड से ही आपको मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज मिलना शुरू होंगी। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।